हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप रिव्यू के इस एपिसोड में। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो है लावा अग्नि 5 हाल ही में जो कि है लॉन्च हो चुका है। आज इसकी रिव्यू करेंगे दोस्तों। मैं आपको सबसे पहले बता दूं लावा अग्नि 5 इसके अंदर बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। पहले तो मिलेगा आपको एक सिम इजेक्टर टूल जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, एक मिलेगा आपको कवर और एक मिलेगा आपको 30 वाट का चार्जर साथ में केबल जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है दोस्तों इसमें आपको, और आपको मिल जाएगा स्मार्टफोन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात कर लें दोस्तों इसके डिजाइन की, अगर डिजाइन की बात करें तो डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पूरी तरीके से इंडिया में ही हुई है। तो ये इंडियन देसी फोन है दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन बनाया गया है लावा ने इसे। जैसे ही हम बात करते हैं अग्नि 5 की, तो ये नया मॉडल आया है इसका। और बात कर ले इसके बैक साइड में, तो आप पॉलीकार्बोनेट की ग्रेडियंट कलर के साथ में बॉडी देखने को मिल जाती है, और बाद में साथ में मिल जाता है आपको क्वाड कैमरा सेटअप डबल फ्लैश के साथ। डबल फ्लैश दिया है इन्होंने, काफी अच्छी चीज है। बॉटम में आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और मिल जाता है स्पीकर। दोस्तों इसमें स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि केवल नीचे को ही स्पीकर्स इन्होंने देख रखा है, और टॉप में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम प्लस माइनस का और सिम ट्रे देखने को मिल जाएगी, और राइट साइड में आपको पावर ऑन ऑफ और फिंगरप्रिंट सेंसर, काफी अल्ट्रा फास्ट फिंगर सेंसर दिया है लावा ने इसके अंदर। दोस्तों फ्रंट में आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और डिस्प्ले प्रोटेक्शन है वो काफी अच्छी है, कॉर्निंग गोरिल्ला 3 से डिस्प्ले प्रोटेक्शन है दोस्तों इसमें दे रखा है इन्होंने। गेमिंग एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि इसका जो चिपसेट है वो MediaTek Dimensity 810 का सपोर्ट आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। चलिए बात कर लें डिस्प्ले की ओर, तो दोस्तों डिस्प्ले में LCD डिस्प्ले है 6.7 इंच की फुल HD डिस्प्ले विद 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों टच सैंपलिंग रेट इसके अंदर आपको 180 का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है। प्रोडक्शन इन्होंने दी है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन इन्होंने दे रखी है। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Dimensity 810 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि 5G है, और जिसकी क्लॉक स्पीड 2.4 GHz की स्पीड है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें Android 11 को देखने को मिल जाता है। इसमें रैम की बात करें तो 8GB की रैम विद 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ में, जिसे आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। दोस्तों कैमरे सेटअप की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, वाइड एंगल 5 मेगापिक्सल का, 22 मेगापिक्सल के माइक्रो एंड मोनो कैमरे आपको देखने को इसके अंदर मिल जाते हैं। दोस्तों फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है जो कि काफी अट्रैक्टिव सेल्फीज खींचने के लिए मशहूर है। दोस्तों अब बात कर लें बैटरी की, तो 5000mAh की बैटरी विद 30W के अल्ट्रा फास्ट चार्जर के साथ में आपको ये देखने को मिल जाता है दोस्तों, जो कि काफी 0 से 100% मात्र 60 मिनट्स में, ओनली 60 मिनट्स में 0 to 100% ये चार्ज कर देता है। दोस्तों आपको सेंसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, लाइट प्रॉक्सिमिटी एक्सेलरेशन जायरोस्कोप इत्यादि, ये सारे सेंसर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों हमारी तरफ से हमारा रिकमेंडेशन यही होगा कि इस फोन को आप जरूर से खरीदने की कोशिश करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए रिकमेंडेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।